क्या आपने भी इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया है? क्या आपके मोबाइल में भी इंस्टेंट लोन ऐप है? अगर है तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार तक इंस्टेंट लोन ऐप को लेकर लगातार बात कर रहा है। हर दिन एक ऐसे शख्स से भी आपको मिलवाता है जिसने इंस्टेंट लोन ऐप से कुछ पैसे लोन के तौर पर लिए और फिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कहानी भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन बार बार बिहार तक यही अपील कर रहा है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इन इंस्टेंट लोन ऐप के झांसे में बिल्कुल भी ना फंसे। आज हम जिस व्यक्ति से आपको मिलवाने वाले हैं, ये झारखंड के हैं। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान कुछ पैसे इंस्टेंट लोन ऐप से लोन के तौर पर लिए थे। हालांकि पैसे ठीक 15 मिनट के बाद ही इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और फिर 7 दिनों के बाद इनके साथ जो कुछ हुआ आप इन्हीं से सुनिए। मेरा नाम राजीव है, मैं नोएडा से हूँ। नोएडा पे मैं यहाँ पे आके जॉब करता हूँ। असल में मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने नवंबर महीने में एक एप्लीकेशन का यूज़ करके 8,000 का लोन लिया था, तो उसमें से मुझे 6,700 कुछ रुपए मिले थे। हालांकि मैं जब इससे लोन लिया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब ऐसे हैं जो RBI के गाइडलाइंस या RBI को फॉलो नहीं करते हैं। मैंने सोचा था कि ये गवर्नमेंट के तरफ से ही रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं जो कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड्स करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शॉर्ट टर्म्स लोन, हालांकि मैंने लोन के लिए भी अप्लाई किया था बैंक में लेकिन वहाँ से रिजेक्ट हो गया था। तो मैं यूट्यूब देख रहा था तो वहाँ पे मुझे एक एडवर्टाइजमेंट मिला कि इंस्टेंट लोन ऐप से आप लोन ले सकते हैं, और उसी से मैंने ये लोन अप्लाई किया और सही में मेरा लोन सैंक्शन कर दिया गया और मुझे मेरे अकाउंट में 10 से 15 मिनट के अंदर वो पैसे क्रेडिट भी हो गए, 6,000 समथिंग। और चूंकि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले कभी लोन लिया नहीं था तो मुझे इस तरह की बातें नहीं पता थी कि इंटरेस्ट रेट RBI की गाइडलाइंस क्या बोलती है क्या नहीं है। ऐसा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप दूसरे एप्लीकेशन से ले सकते हैं, वहाँ से एप्लीकेशन से आप हमें पेड कीजिए और फिर जब आएगा तो हमारे से ले कर उन पर पेड कर दीजिए। तो मुझे ये उस टाइम सही लगा क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, मैं कोशिश में था लेकिन फिर भी मेरे पास पैसे नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने दूसरे एप्लीकेशंस जैसे आई क्रेडिट हो गया, रूपी प्लस हो गया, लोन फ्रेश हो गया, फ्लैश रूपी हो गया, और भी बहुत सारे थे, वाईफाई मनी है, रूपी फ्लाई है, तो इन सब से एप्लीकेशन से यूज़ करके मैंने उसको पेमेंट किया। और फिर मनी डे भी है, उससे भी पेमेंट लिया, स्टार लोन है तो उनसे लेके उनको दिया, और फिर इस तरह से एक सर्कल सा बनता गया जिसमें कि मैं घुसता गया अंदर। इस तरह से मैं यहाँ पे फंसता गया, मेरे परिवार वालों को भी ट्रबल हुआ। मेरे छोटे भाई ने मुझे कुछ पैसे उधार दे रखे थे इसको चुकाने के लिए, उसका भी जो जमा पूंजी था वो भी गया, मेरा भी कम से कम थोड़ा बहुत 1 लाख रुपये के करीब वो भी गया। और खुद बैंक, जब ये ट्रांजेक्शन होने लगा, लगातार ये ट्रांजेक्शन चलता रहा, तो बैंक वालों ने मुझे खुद ही कांटेक्ट किया कि सर आपके, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कभी ट्रांजेक्शन किया करता नहीं हूँ, तो बैंक वालों ने खुद ही मुझे कॉल करके कहा कि सर इस महीने क्या है, इतना ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, इतना ट्रांजेक्शन कहाँ कर रहे हैं आप। तो मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने बोला ठीक है सर, हम बस कंफर्म करना चाहते थे कि ये ट्रांजेक्शन आप ही कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के ट्रांजेक्शन आप में कभी देखा नहीं गया है और ये ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, लेकिन ये 7 दिन और 15 दिन का लोन ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। लोन होता है तो कम से कम 6 महीने का टेन्योर या 3 महीने का टेन्योर दिया जाता है। ये EMI भी नहीं जा रहा है, ये डायरेक्ट पेमेंट हो रहा सर जो आप कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है मैं उसे देखूंगा। उसके बाद ये चीज़ें खुली सामने, तब मुझे समझ में आया कि इस तरह का ये एक ट्रैप है, फ्रॉड है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। हालांकि मैं भी उस कंडीशन में पहुंच चुका था कि मैं भी सुसाइड कर लूं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार इसके लिए गूगल प्ले स्टोर को मानता हूं और यूट्यूब को मानता हूं कि इस तरह की एडवर्टाइजमेंट और इस तरह की पॉलिसी को वो क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहे। गूगल प्ले स्टोर को एक तरीके से क्रॉस वेरीफाई करने चाहिए, और YouTube भी जो भी एडवर्टाइजमेंट शो करता है, जो भी एडवर्टाइजमेंट देता है, तो उसे सही तरीके से क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। गुजारिश है मेरी भारत सरकार से, RBI की गाइडलाइंस, RBI से, कि जो ये अपना NBFC बताते हैं ये लोन, ये
किसने अथॉरिटी दिया इनके एनबीएफसी को कि आप लोगों को इस तरह से लोन प्रोवाइड करें? शॉर्ट टर्म लोन समझ में आता है, लेकिन ये किस तरह का लोन है जहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, प्रोसेसिंग फ़ी आपकी हाई काटी जाए और आप 5,000 का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो 3,500 रुपये मिले। अगर पूरा देखा जाए तो प्रिंसिपल अमाउंट में भी आपको उतना नहीं मिलता है जितना आपको ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए लोग धीरे धीरे इस तरह के जाल में फंसते जाते हैं। तो और बाकी जो मेरा संदेश है लोगों के लिए कि प्लीज़ 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 आप कितना भी मुसीबत में हो, आप इधर उधर से करके अरेंज करने की कोशिश कीजिए। आप बैंक से एक बार अच्छे से बात कीजिए, मे भी वो आपकी मदद कर सके, आपको बताए। लेकिन इस तरह के ट्रैप में, इस तरह की एप्लीकेशन का इस्तेमाल किसी भी हाल में मत कीजिए, किसी भी हाल में, चाहे आपको भूखे मरना पड़े वो आप कर लीजिए, टॉलरेबल है वो, आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। हमारे जैसे ही पढ़े लिखे लोग ही इस तरह के जाल में फंसते हैं। ऐसी एक कहानी नहीं है, पूरे देश में ऐसी हजारों कहानियां हैं जो लॉकडाउन के दौरान इंस्टेंट लोन ऐप के झांसे में आ गई। बस एक ऐप को उन्होंने डाउनलोड किया, पैसे लिए और जब पैसे समय पर चुका नहीं पाए तो फिर मेंटली टॉर्चर किया गया उन्हें। इतना ही नहीं, उनके फ़ोन में जो भी डेटा था उसका भी गलत इस्तेमाल किया गया। बिहार तक लगातार आपसे कह रहा है कि आपको सेफ मीडियम से ही लोन के तौर पर पैसे लेने चाहिए। ऐसे इंस्टेंट लोन ऐप का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आरबीआई की गाइडलाइंस को भी ज़रूर देखें कि आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है, क्या ये इंस्टेंट लोन ऐप सही हैं, क्योंकि 15 मिनट के अंदर आपके बिना किसी डॉक्यूमेंट को देखे ये आपके खाते में पैसे भेज देते हैं और जब आप उस पैसे को दे नहीं पाते तो यही लोन ऐप फिर आपको बताता है कि आप दूसरे और तीसरे लोन ऐप से भी पैसे उठाकर उन्हें पेमेंट कर सकते हैं और ऐसे करते करते आपके ऊपर बहुत सारा लोन होगा जिस पर एक भारी भरकम इंटरेस्ट थोप दिया जाता है। तो आप भी ऐसे लोन ऐप से बचें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आपके पास आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप भी इस इंस्टेंट लोन ऐप के चक्कर में फंस गए हैं तो पुलिस में कंप्लेन ज़रूर करें।